इससे पहले वाली वीडियोस में बेटे आप लोगों ने एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, कुछ आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा और इसके अलावा एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पढ़े थे। इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में हम सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ एनिमल्स में मूव करेंगे और पहले सिंपलर एनिमल्स में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते जाते एंड पे हम ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस देखेंगे। सो हाइड्रा की एक्सक्रीशन अगर हम एक्सप्लेन करें तो हाइड्रा बेटे आपको पता है एक फाइलम निडेरिया से बिलोंग करने वाला मेंबर है। आपने चैप्टर नंबर 12 जब पढ़ा था पार्ट 1 का तो उसमें भी पढ़ा था कि हाइड्रा की बॉडी के अंदर कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तब आपने पहले उसका गैस एक्सचेंज के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे। तो न्यूट्रिशन के लिए भी, डाइजेशन करने के लिए भी कोई सिस्टम नहीं है, गैस को एक्सचेंज करवाने के लिए भी कोई सिस्टम नहीं है। तो ऑब्वियसली अब एक्सक्रीशन जब आप पढ़ रहे हो हाइड्रा के अंदर तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है इन केस ऑफ हाइड्रा। ठीक है, निडेरिया एक टर्म लिखी होगी आपकी बुक में, तो कन्फ्यूज नहीं होना। निडेरिया वो फाइलम है जिसके अंदर हाइड्रा को हम स्टडी करते हैं। ओके, सो कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है। सो आप फर्स्ट क्या लिखोगे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स और सिस्टम इज एब्सेंट। ठीक है, कोई भी सिस्टम इसके अंदर नहीं है बिकॉज सिंपलर सी एक इसकी बॉडी होती है। और इसके अलावा इसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करेंगे, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। ठीक है, और कोई भी बिकॉज इसकी बॉडी के अंदर सिस्टम नहीं है, ना ही डाइजेशन के लिए, ना ही गैस को एक्सचेंज करवाने के लिए और एक्सक्रीशन के लिए भी ऑब्वियसली नहीं है, तो फिर ये जो हाइड्रा है ये कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस तरह से निकालेगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। तो एक हाइड्रा हम ड्रा कर लेते हैं। हाइड्रा आपको पता है सेसाइल बॉडी है इसकी, सेसाइल मीन्स के किसी भी सर्फिस के साथ अटैच होता है और ऊपर इसके माउथ को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कवर कर रहे होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहते हो, टेंटिकल्स। इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर आप लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। ओके, सो जो भी यहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस हुई है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इसके इनर साइड बॉडी से आउटसाइड मूव कर जाएगी, बिकॉज हाइड्रा एक वाटर के अंदर रहने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, तो अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये लेता है। हमने डिफ्यूजन की बात की है, डिफ्यूजन बेटे आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, बिकॉज इन्वायरमेंट में अमोनिया की कंसंट्रेशन कम है और उसकी बॉडी के अंदर अमोनिया की कंसंट्रेशन हाई है, तो इसलिए आप कहते हो कि अमोनिया डिफ्यूज कर जाएगी इसकी इनर साइड बॉडी से आउटसाइड की तरफ। ओके, सो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था। लॉन्ग क्वेश्चन में तो हाइड्रा का नहीं आता, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यू में आ सकता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है हाइड्रा का और सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है और डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये मूवमेंट होती है। तो बिकॉज डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है तो आप यही मार्क करोगे। एक ब्रीफ सा जस्ट टर्म्स बताई हुई है। सेकंड जो एक्सक्रीशन हमने स्टडी करनी है वो है प्लेन एरिया की। प्लेन एरिया की एक्सक्रीशन बेटे लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकती है। सो जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी तो आपने इसकी थ्योरी के साथ इसकी फिगर भी ड्रॉ करनी है। तो अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं इसकी फिगर भी और थ्योरी भी साथ स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज आपने बतानी है, प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसे आप प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हो। ठीक है, सो प्रोटोनेफ्रीडियम एक्सक्रीटरी सिस्टम का नेम है किसके अंदर, प्लेनेरिया के अंदर। और ये सारे फ्लैटवर्म्स के जितने भी आप एग्जांपल्स पढ़ते हो उन सब के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये,
प्लेनेरिया की बॉडी में। ओके, ये प्रोटोनेफ्रीडियम, अगर हम स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें तो प्रोटोनेफ्रीडियम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ओके, इस तरह की आपने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड अपर साइड पे इस तरह से इरेगुलर शेप का एक सेल ड्रॉ करना है आपने। इसकी इनर साइड पे एक और आपने सेल ड्रॉ करना है इस तरह से। ओके, सो ये ड्रॉ करने के बाद आपने एक न्यूक्लियस ड्रॉ करना है। ये न्यूक्लियस है, थोड़ी सी इरेगुलर शेप ड्रॉ करनी है। आप ये कर्व्स कम भी कर सकते हो, बस शेप इसकी इरेगुलर यहाँ से होनी चाहिए। ओके, सो एक न्यूक्लियस आपने ड्रॉ करना है और ये बड़ा सा एक हम न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं, साथ साथ इसको लेबल करते जाते हैं। दिस वन इज न्यूक्लियस। ओके, ये जो इनर साइड पे आपने सेल ड्रॉ किया है, यहाँ पे सीलियाज का एक बंच प्रेजेंट होता है। बंच मीन्स एक टफ्ट, एक ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे सीलियाज का, ठीक है। ओके, सो ये क्या है, ये टफ्ट ऑफ सीलिया है। टफ्ट मीन्स ग्रुप ऑफ सीलिया है। ओके, इस तरह के बहुत से और भी आपने फ्लेम, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है इसे बेटे आप फ्लेम सेल कहते हो। और फ्लेम सेल हम क्यों कहते हैं, बिकॉज जब भी हम प्लेनेरिया के इस सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो ये सीलिया माइक्रोस्कोप के नीचे जब ऑब्जर्व करते हो तो मूव कर रहे होते हैं, तो इनके जो मूवमेंट है वो मूवमेंट एक फ्लेम, जिस तरह से आप देखते हो किसी भी कैंडल के ऊपर जिस तरह से वो फ्लिकर कर रहा होता है, हिल रहा होता है, उसी तरह से ये सीलियाज भी फ्लिकर कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं। तो ये जो फ्लिकरिंग है या जो इसकी मूवमेंट है सीलिया की, ये रिजेंबल करती है किससे, वो फ्लेम से जो कि फ्लिकर कर रहा होता है। तो उन दोनों की अपेयरेंस सेम होती है, उसी तरह से ये फ्लिकर कर रहे होते हैं जब आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, तो इसलिए आप इस सेल को कहते हो कि ये फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसकी सीलियाज की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल फ्लेम की फ्लिकरिंग की तरह की आपको दिखती है जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो। ओके, सो किसी भी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेनेरिया की बॉडी है, तो प्लेनेरिया की बॉडी में ऐसे बहुत से प्रोटोनेफ्रीडियम, ये बहुत से फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक फ्लेम सेल यहाँ पे भी है, तो जितने भी फ्लेम सेल्स हैं हर एक फ्लेम सेल की एक सेपरेट से आपने इस तरह से ओपनिंग ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये एक फ्लेम सेल हमने ड्रॉ कर दिया और ये एक ओपनिंग ड्रॉ कर दी, इसके साथ ही ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर करके भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसी एंड पे भी आप एक ओपनिंग ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ओके, सो ये आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो। सेकंड में आपको फॉर्म बता देती हूँ, बहुत से ऐसे फ्लेम सेल्स हैं, ये आपको क्लियर हो गया, आप इस तरह से भी ये ओपनिंग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो ये आपने एक फ्लेम सेल ड्रॉ किया, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेटे आपको नजर आ रहा है इसे आप कहते हो कि ये एक्सक्रीटरी डक्ट है। एक्सक्रीटरी डक्ट। ओके, वाइल ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है हर एक ट्यूब के एंड पे, ये वाली ट्यूब, ऐसे बहुत से मैं अगेन बता दूं फ्लेम सेल्स हैं, ये हमने जस्ट एक ही सेल ड्रॉ किया है। ओके, सो
ओके सो ये जो ओपनिंग हमने ड्रॉ की है, इस ओपनिंग को आप कहते हो ये नेफ्रीडियो पोर है. ठीक है, ये ओपनिंग इज अ नेफ्रीडियो पोर. और जो ट्यूब है इस पोर के स्टार्ट पे और फ्लेम सेल के दरमियान, उसे आपने एक्सक्रीटरी डक्ट बोला. ओके सो प्रोटोनेफ्रीडियम में फिर आपने कितनी चीजें ड्रॉ करनी हैं? हमने जस्ट एक यहाँ पे स्ट्रक्चर, एक फ्लेम सेल ड्रॉ किया है. एक फ्लेम सेल कुछ उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए. एक आउटर साइड पर, एक इनर साइड पे आपने उसकी बाउंड्री ड्रॉ करनी है. इनर साइड पे आपने एक टफ्ट ऑफ सीलिया ड्रॉ करना है और अपर साइड पे एक न्यूक्लियस अटैच करा देना है. ठीक है, सो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस ओपनिंग के दरमियान और फ्लेम सेल के दरमियान, उसे आपने एक्सक्रीटरी डक्ट बोला. और ये जो ओपनिंग है इसे आप नेफ्रीडियो पोर कहते हो. सो थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपने प्रोटोनेफ्रीडियम के अंदर बेटे ड्रॉ करने हैं. एक और चीज़ याद रखिएगा कि प्रोटोनेफ्रीडियम जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसकी कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती. नो इंटरनल ओपनिंग. ठीक है, ये जो ओपनिंग आपने ड्रॉ की है ये बॉडी से बाहर वेस्ट को रिमूव करती है, इसे आप नेफ्रीडियो पोर बोला जिसे आपने. तो ये जो ओपनिंग है कोई भी बॉडी के अंदर नहीं है, जस्ट नेफ्रीडियो पोर जो आपने ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे, ये नेफ्रीडियो पोर एक्सटर्नल ओपनिंग है. एक्सटर्नल मीन्स के ये बॉडी से बाहर वेस्ट को रिमूव करवाती है. ओके, ये तो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया प्रोटोनेफ्रीडियम का. आई होप ये फिगर आपको क्लियर हो गई होगी. और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप ये फिगर एज सच ड्रॉ कर दोगे. बहुत सिंपल सी है, जस्ट आपने इनकी लेबलिंग ठीक करनी है. ठीक है, ओके. फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है. और क्यों कहते हैं आप? बिकॉज जो सीलियास का ग्रुप है, जब वो हिल रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी अपीयरेंस आपको एक फ्लेम की तरह फ्लिकर करती हुई फील होती है. ठीक है, इसलिए आप कहते हो कि ये जो फ्लेम सेल्स हैं ये उस कैंडल के फ्लेम से या फायर के फ्लेम से रिजेंबल कर रही हैं. सो प्रोटोनेफ्रीडियम के स्ट्रक्चर में ये तीनों चीज़ें बेटे आपने ड्रॉ करनी है. अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है और एक्सक्रीशन करवाएगा. जब भी ये टफ्ट ऑफ सीलिया मूव करते हैं तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो कि सेल्स के दरमियान होता है. फॉर एग्जांपल ये किसी भी एनिमल के सेल्स हैं, तो इन सेल्स के दरमियान जो भी फ्लूइड है इसे आप कहते हो कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स है. ठीक है, सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड है उसे आप इंटरस्टिशियल कहते हो. ओके, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जब ये सीलियास फ्लिकर करते हैं, ऑब्वियसली कोई भी फ्लूइड है उसके अंदर आप कोई स्टोन फेंकते हो या उससे कोई भी वाइब्रेशन करवाने के लिए कोई भी हर्डल उसके अंदर कास करवाते हो उसकी वेव्स में, तो वो मूव करना शुरू कर देता है. तो सीलियास जब मूव करते हैं इस फ्लूइड के अंदर, तो ये फ्लूइड इस फ्लेम सेल की बॉडी के अंदर मूव करेगा. बिकॉज इसकी आउटर साइड पे अगर ये फ्लेम सेल इस तरह से है तो इस तरह के स्लिट्स होते हैं. स्लिट्स आप किसी भी ओपनिंग को कहते हो और ये ओपनिंग थोड़ी सी लॉन्ग होती है. ओके, ये स्लिट्स जो हैं ये लॉन्ग शेप की होती हैं, सर्कुलर शेप की नहीं है. तो हर एक फ्लेम सेल के ऊपर, ये जो हमने फ्लेम सेल ड्रॉ किया हुआ है ये मैंने आपको उसकी इनर साइड दिखाई है, उसकी बाहरी वाली साइड पे इस तरह के स्लिट्स हैं. ठीक है, लॉन्ग कट लगे हुए हैं उसके ऊपर. इन कट्स के थ्रू जब ये सीलियाज इसकी सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर सीलियाज हैं,
तो बाहर ट्यूब के कट्स लगे हुए हैं, तो जब ये सीलियास ट्यूब के अंदर मूव करते हैं तो बाहर का जो फ्लूइड है सेल्स के दरमियान वो इस बॉडी के अंदर आ जाता है, इस फ्लेम सेल के अंदर आ जाता है। ओके, इस फ्लेम सेल में आने के बाद, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, सेल के दरमियान जो फ्लूइड था वहाँ से आया है, तो इस डक्ट के अंदर जैसे ही वो फ्लूइड आता है तो जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें रीएब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। ठीक है, रीएब्जॉर्ब करवाने के बाद जितना भी वेस्ट है उसे इस नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट करवा दिया जाता है, और प्लेनेरिया की पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से ये नेफ्रिडियोपोर अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, सो ये बेटे हमने प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा कि प्लेनेरिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं। ये बेटे आपने याद रखना है, बिकॉज बाकी जितने भी एनिमल्स आएंगे हर एक एनिमल का और प्लेनेरिया का भी आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम एमसीक्यू में लाजमी पूछ लिया जाता है कि इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या नेम है। सेकेंडली, इसकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है, एक फ्लेम, एक कैप शेप, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को आपने एक कैप से कवर किया हुआ है। इस कैप को आप फ्लेम सेल्स कहते हो। फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इसकी बॉडी के अंदर सीलियास का एक ग्रुप है, और जब वो मूव करता है तो वो एक फ्लेम की तरह फ्लिकर करता हुआ फील होता है। एक आपने न्यूक्लियस ड्रॉ करना है, और जो भी सीलिया की मूवमेंट की वजह से सराउंडिंग के सेल्स से फ्लूइड जो है इसकी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेनेरिया की बॉडी है, ठीक है, ये इस तरह से प्लेनेरिया की बॉडी है, और प्लेनेरिया की बॉडी में ये जो फ्लूइड होगा सेल्स के दरमियान वो यहाँ से इन स्लिट में से होता हुआ सीलियास के थ्रू इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। ओके, एक्सक्रीटरी डक्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो रीअब्सॉर्ब करवा लिए जाते हैं, और रीअब्सॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट है वो नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट करवा दिया जाता है। ओके बेटे, ये आपकी फिगर थी प्रोटोनेफ्रिडियम की और प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे बेटे आप कमेंट करके वो पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।